हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि अफर्मेशंस काम क्यों नहीं करते हैं। यदि हम कुछ अफर्मेशन देते हैं तो उससे हमारी विश जो है वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं होती है, वो लाइफ में अट्रैक्ट हम क्यों नहीं कर पाते हैं। देखिए, सबसे मेन कारण इसका ये है कि जब हम सभी के बारे में नहीं है ये, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब हम सुनते हैं कि अफर्मेशन देने से हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, तो सबसे पहले वो इन बातों का मजाक बनाते हैं। आप में से कई लोग भी होंगे कि अरे, सोचने से ही यदि सब कुछ हो जाता तो आज दुनिया में इतनी परेशानियां नहीं रहती, सभी लोग सारी खुशियां और सारी चीज़ें मैनिफेस्ट आसानी से कर पाते। तो प्रॉब्लम यहीं पर है कि लोगों को विश्वास नहीं है। होता है ना कि अमीर अमीर बनता जाता है और गरीब होता जाता है। होता यह है, अमीर अमीर बनता जाता है मीन्स ये कि जो इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझ गया कि हाँ, हम पॉजिटिव रहकर और अफर्मेशंस देकर टेक्निक करके हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं, तो बस उसने इस राज को, इस रहस्य को जान लिया, उसने अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, मानना शुरू किया, तो वो अमीर जो है वो और अमीर होता जाता है। इसी के विपरीत होता ये है कि जो गरीब होता है तो उसको ये सारी चीज़ों से मतलब नहीं रहता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं, लेकिन जब उन्हें ये सब बातें बताया जाए तो वो इस पर विश्वास नहीं करते। वो हंसी उड़ाते हैं, इन सब बातों का मजाक बनाते हैं और वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है वो नेगेटिव है, वो अच्छा नहीं सोच सकते हैं, वो हमेशा अपने दुख का रोना रोते रहते हैं, तो ऐसे लोगों के पास में खुशियां कभी नहीं आती है, और जितनी खुशियां रहती भी है तो उनका जो रोना रोते हैं उससे वो दूर चली जाती है। अफर्मेशंस देते समय यदि हमारे मन में डाउट आ गया कि ये काम होगा या नहीं, तो अफर्मेशन काम नहीं करते हैं। उसके बाद ये होता है कि अफर्मेशन देते वक्त हम बोल तो कुछ रहे हैं, यदि मान लीजिए हमें कुछ जॉब चाहिए, हम बोल रहे हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल चुकी है, थैंक यू सो मच, ये हमने कहा बोला, लेकिन हमारे दिमाग में चल रहा है कि पता नहीं मिलेगी भी या नहीं, या दिमाग ये बोलता है कि अभी तो है ही नहीं तो फिर मैं कैसे बोल लूँ। तो ये यदि इस टाइप की यदि दिमाग में यदि चीज़ें रहती है, बातें रहती है, और यदि आप अफर्मेशंस कितने भी दे देंगे तो आपको कभी भी उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप अपनी जो विश है वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको ये करना है कि पूरी फीलिंग के साथ में कि आपको जॉब मिल गई तो मिल गई, तो ऐसा पूरा अपना माइंड को ऐसा सेट करना है कि नहीं, मिल गई है मुझे। जब मिल गई है तो खुशियाँ खुद ही आ जाएंगी। जब आप फील कर लोगे तो आपका आपके जो वाइब्रेशंस है वो खुद ही हाई हो जाते हैं। एक बात और याद रखना है, जब आप अफर्मेशंस दे रहे होते हैं तो आपका जो माहौल है ना वो शांति का होना चाहिए, आप कंफर्टेबल रहना चाहिए। एक्चुअली होता यह है कि जब हम अफर्मेशंस देते हैं और यदि हमें कोई देख लेता है तो हम अंदर से कुछ डरे हुए से हो जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वो देख रहा है सामने वाला कोई या सुन रहा है, तो हम कंफर्टेबल नहीं रह पाते, हमारा आधा ध्यान उधर रहता है कि वो हमें देख रहा है या वो हमें सुन रहा है, वो हमें नोटिस कर रहा है, तो हमें हम जो है वो अफर्मेशंस उतने अच्छे से नहीं दे पाते। तो आपको जो याद रखना है कि आप अफर्मेशंस देते टाइम पर आप बहुत ही शांति एकांत में रहें। देखिए, अफर्मेशंस काम और भी इसीलिए नहीं करते हैं, एक कारण ये भी है कि हम अफर्मेशंस दे रहे हैं, हम पानी जो है वो अफर्म करके पी रहे हैं, लेकिन होता ये है कि हम उसके रिजल्ट के ऊपर नज़र रखे हुए रहते हैं कि हमने तो अफर्मेशंस दिया है तो ये अब आज के आज में ही हमारे साथ में कुछ चमत्कार हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रातों रात तो चमत्कार नहीं होता है, बट आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो आपको बहुत सारे
फर्क खुद ही दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आप सिर्फ कर्म कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने कर्म को पकड़ कर रखेंगे कि हाँ मैंने ये किया है, अब मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, तो आपको कभी भी उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने यदि कुछ अफर्मेशंस दी हैं तो आप उसे बस देकर आप उसे यूनिवर्स के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि जब तक आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो यूनिवर्स आप पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। आप अपने अफर्मेशंस देकर यूनिवर्स के हाथों में सौंप दीजिए कि मेरा काम मैंने कर दिया है, अब आगे का काम यूनिवर्स का है, और वो आपको आपके विश फिर 100% देंगे। एक बात और ध्यान रखिए कि यदि आप कुछ अफर्मेशंस दे रहे हैं तो आपको लोगों को नहीं बताना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि हाँ मैं तो ये अफर्मेशंस देता हूँ, मैं तो ये देता हूँ, या मैं तो ये अफर्मेशंस देती हूँ, मैं तो ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो ये आपको ये सारे लोगों के सामने ये सारी चीज़ें नहीं रखनी है। आपको अपने माइंड में रख कर, वो भी सिर्फ आप जिस टाइम पर दे रहे होते हैं अफर्मेशंस उस टाइम पर याद रख कर आपको ये सारी चीज़ें भूल जानी है। आपने सुना ही होगा, कहा जाता है कि हमेशा चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जिन्हें विश्वास होता है। आप लोगों को भी ये पता होगा कि आप में से कई लोगों के साथ में ऐसे कुछ चमत्कार हुए होंगे, भगवान के, अल्लाह के, गॉड के, बहुत सारे हमारी लाइफ में छोटी छोटी ऐसे चीज़ें होती रहती है। तो क्यों होती है? क्योंकि हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं। तो चमत्कार वही होते हैं जहाँ पर विश्वास रहता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चमत्कार हो, आपके अफर्मेशंस काम करें, तो आपको विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आप अफर्मेशंस दे रहे होते हैं तो आपको ये भी याद रखना है कि आप एक साथ 20, 25, 10, 15 जो विश है उसको अफर्मेशंस ना दें। आपको याद रखना है कि आपको एक चीज़ से रिलेटेड, एक विश से रिलेटेड ही अफर्मेशन देनी है। आप ऐसा कर सकते हैं, और क्योंकि आपको एक ही उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है। ऐसा नहीं कि पहले आपने सोच लिया जॉब के लिए कर लेता हूँ और आपके दिमाग में चल रहा है कि अरे मेरी हेल्थ के लिए भी तो करना है। ये जो सिचुएशन है ऐसी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक ही विश के ऊपर आप फोकस कीजिए और उस पर आप अफर्मेशन दीजिए। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी ये दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।